गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर ऑनलाइन क्लासेस टुडे योर इंग्लिश क्लास। इन दिस क्लास डियर स्टूडेंट, वी शैल रीड एप्लीकेशन। एप्लीकेशन टाइटल स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, किसके बारे में है? स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अपर पार्ट राइट करते हैं। टू द प्रिंसिपल, न्यू मालवा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मलैन। इसके नेक्स्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन सा है? एप्लीकेशन फॉर स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट एप्लीकेशन। इसके बाद क्या राइट करेंगे? रेस्पेक्टेड मैम। अपर पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट आई शैल रीड मिडल पार्ट। आई बिग टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। आई रीड इन थर्ड क्लास। माई फादर हैज़ बिन ट्रांसफर्ड टू मोगा। वो बोलती है क्या, जो इसने एप्लीकेशन राइट किया अपने प्रिंसिपल को, वो बोलते हैं कि मैं आपको विनती करता हूँ कि मैं आपके स्कूल का स्टूडेंट हूँ और थर्ड क्लास में रीड करता हूँ, पढ़ता हूँ। माई फादर हैज़ बिन ट्रांसफर्ड टू मोगा। मेरे जो फादर है, उनकी जो मेरे पिताजी हैं, उनकी ट्रांसफर्ड मोगा हो गई है, उनकी जो बदली मोगा हो गई है। माई पेरेंट्स आर गोइंग मोगा नेक्स्ट वीक। जो मेरे पेरेंट्स हैं वो मोगा के लिए नेक्स्ट वीक जा रहे हैं। आई कैन नॉट स्टे हेयर अलोन। मैं जहाँ पर अकेला नहीं रह सकता। काइंडली इशू मी माई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। कृपा करके, कृपा मेरे जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है वो मेरे को दिया जाए। I shall be very thankful to you for this kindness. मैं आपकी इसकी kindness, आपकी ये दयालुता के ऊपर बहुत ज़्यादा आपका आभारी रहूँगा, आपका thanks करता हूँ। Next, सबसे lowest part, उसमें से क्या write करोगे? जो इस सबसे नीचे write किया गया, your obediently, आपका आज्ञाकार। Name, अपना name write करो। Class, roll number, और student, ये आपकी एप्लीकेशन आपने अपनी राइट ऑन योर फेयर नोटबुक, किसके ऊपर राइट करनी है? राइट ऑन योर फेयर नोटबुक। इट इज़ योर टूडेज होमवर्क स्टूडेंट। लर्न, राइट एंड रिवीजन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। स्टे होम, स्टे सेफ स्टूडेंट्स।